चलिए बढ़ते आगे। जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। दरअसल धर्मनगरी में ब्रह्म सरोवर के तट पर अलग अलग राज्यों के कलाकार अपनी कला से लोगों को आकर्षित करने पर मजबूर कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। कुरुक्षेत्र का अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हर बार की तरह इस बार भी यहाँ आने वाले पर्यटकों को बखूबी भा रहा है। गीता महोत्सव में विभिन्न राज्यों की कला का संगम भी नजर आ रहा है। महोत्सव में आने वाले लोगों को अलग अलग राज्यों के कलाकारों ने अपनी कला के मनमोहक प्रदर्शन से अपनी ओर खींचने पर मजबूर कर दिया। राजस्थानी कला कच्ची घोड़ी के कलाकार अपनी प्रस्तुति देते दिखे तो वहीं पर्यटक भी उनके साथ जमकर थिरकते दिखाई दिए। बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगा सर। जो बाहर से लोग आते हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सर देखो, यहाँ पे घूमने के लिए बहुत सी चीजें, ना कि सीखने के लिए भी यहाँ पे बहुत सी चीजें हैं, हमें सीखने के लिए भी मिलता है। घूमने के लिए इंजॉय तो है यहाँ पे, देखने की भी बहुत सी चीजें, देख सीखने की भी बहुत सी चीजें हैं। तो आप स्टूडेंट है या क्या करते हैं? नहीं सर, मैं एसएससी की तैयारी कर रही हूँ। हाँ जी, स्टूडेंट हूँ। तो कैसा लगा यहाँ? बहुत ज्यादा अच्छा लगा सर, बहुत बहुत ज्यादा अच्छा। कितनी बार आए यहाँ पे कुरुक्षेत्र? काफी बार आती है, मैं भी आते ही रहते हैं सर, जब से लगती है हर साल आते हैं। फैमिली के साथ आना चाहिए? फैमिली के साथ आपको सर, फैमिली के साथ भी आना चाहिए। राजस्थान से हरिनागर बताते हैं कि कच्ची घोड़ी अलगोजा को पिछले कई सालों से हम लोग विभिन्न मंचों पर देखा चुके हैं। हमारी पीढ़ी का यही काम, ये हमारा पारंपरिक गीत है और हम लोगों का मनोरंजन करते हैं। उन्होंने बताया कि 10 लोगों की टीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में आकर विभिन्न जगहों पर अपनी कला का मंचन दिखा रहे हैं। इसको कच्ची घोड़ी अलगोजा बोलते हैं। अच्छा जी, कितने टाइम से कर रहे हैं आप? हम बहुत दिनों से कर रहे हैं। बहुत दिनों से कर रहे हैं? 40 वर्षों से कर रहे हैं। 40 वर्षों? तो कुरुक्षेत्र में आप पहले भी आए? कितने टाइम? हाँ आए। कितने टाइम से आ रहे हैं? हम आए 3 बार पहले आ चुके। आप पीढ़ियो से काम करते हैं या अभी आप खुद करने लगे? नहीं नहीं, हमारे पीढ़ियों से करते हैं वैसे तो काम, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने बुला लिया हमको तो फिर ऐसे आने लग गए। तो कैसा लगा कुरुक्षेत्र आगे? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी। जो बाहर से लोग आते हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हम देते हैं कि हमारी कच्ची घोड़ी है, पारंपरिक चीज है, इनको देखो, मनोरंजन करते हैं और क्या है। इन सब के बीच एक ग्रुप ऐसा मिला जो डेरू के साथ पारंपरिक लोकगीत गाता हुआ और झूमता हुआ दिखाई दिया। रोहतक से आया कलाकारों का ये ग्रुप भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने में सफल रहा। तो वहीं ये कलाकार भी इस महोत्सव में अपनी प्रस्तुति देकर बेहद उत्साहित नजर आए। इन कलाकारों ने बताया कि पिछले कई सालों से इनको इस समय का इंतजार था और इनको पिछली बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में अपनी कला का मंचन करने का मौका मिला। ये डेरू की पार्टी हमारी है और ये हम करीबन 5 सालों से अपना दल चलाने लग रहे हैं। तो ये डेरू है, आपको अभी एक बड़ा ही अच्छा भजन सुनाते हैं, तो सुनिए। तो पार्टी में कितने हमारे 6 सदस्य हैं। 6 सदस्य हैं आपके? जी। और कब से जुड़े हो आप डेरू के साथ? हम करीबन 5-6 साल हो गए। 5-6 साल। तो क्षेत्र गीत जयंती में आप पहले आए? नहीं, पहली बार हमारा गीत। जी जी। कितने समय के लिए रुकेंगे आप? 6 दिन के लिए। 6 दिन? जी। दूसरी ओर इस महोत्सव के उत्साहित माहौल में सपेरों की धुन बजाने वाले लोक कलाकार ब्रह्म सरोवर के तट पर बैठकर बीन की धुन से लोगों को हैरान कर दिया। सपेरों की धुन बजाने वाले पालीनाथ ने बताया कि ये नाग घराने का पुश्तैनी काम है। दादा परदादा के समय से लोग आज तक भारतीय संगीत कला को जिंदा रखे, लेकिन समय समय के साथ ही कला विलुप्त होती जा रही है। ये हमारी बीन पार्टी है और ये 35 साल पुरानी पार्टी है और जहाँ पे भी सरकारी कोई भी प्रोग्राम होता है, कोई फंक्शन है या कोई मेला है, महोत्सव जहाँ भी होते हैं तो वहीं पे पूरे इंडिया में जाते हैं और मौका मिल जाने पे तो हम देश और विदेश में भी अपना प्रोग्राम प्रस्तुति करते हैं। देखो जी, ये हमारा जो है एक नाथ घराना है, नाथ जाति से आज से नहीं है, हमारा पुस्तकों पुराना काम है। हमारे बुजुर्ग लोग, हमारे दादा परदादा, उन्होंने जो शुरुआत से ये हमारा बीन और बाजा, ये हमारे भारत के अंदर में एक ऐसा संगीत है जो सबसे पहले हमारे भारत में बीन ही आया। बीन आने के बाद भी संक आया, फिर और से बहुत से जो है तो साज और बाज हमारे भारत के अंदर में आए।
वाकई में धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की धरती पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव अपने अंदर भारत की ऐसी लोक कलाएं, सांस्कृतिक पारंपरिक नृत्य को समेटे हुए है जो अब ज्यादातर नजर नहीं आती हैं। यानी कि इस महोत्सव के जरिए लोगों को ऐसी चीजें देखने और सुनने को मिल रही हैं जिसकी उम्मीद भी नहीं की होगी, और यही कारण है कि इस महोत्सव में आने के लिए पर्यटक आकर्षित हो रहे हैं और यहाँ आकर अपने देश, अपने प्रदेश की पारंपरिक संस्कृतियों से रूबरू हो रहे हैं। कुरुक्षेत्र से टोटल न्यूज के लिए राजीव अरोड़ा की रिपोर्ट।